हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लेडी सागा। इफ यू गाइस डोंट नो मी, आई एम मेघा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट LTA, दैट इज लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउ टू क्लेम LTA एंड द इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इट एंड हाउ मच LTA एग्जेम्पशन यू कैन गेट। So before we start today's video, I request you all to please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, because we are going to reach 1000 subscribers very soon. So without wasting any time, let's get started. LTA, it's nothing but it's an expense cover given by an employer to his employee to cover their travel expenses. This is one of the component which is present in your salary breakup or the compensation breakup. बट यूजली ये आपके CTC में इंक्लूड नहीं होता है। इट इज द नॉन CTC पे आउट विच इज प्रेजेंट इन योर सैलरी ब्रेकअप। LTA इनकम टैक्स एग्जम्पशन में आता है अंडर सेक्शन 1005। जो भी LTA रिसीव करेगा, इट वॉन्ट बी द पार्ट ऑफ द नेट इनकम ऑफ द ईयर। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कंडीशंस टू क्लेम द LTA। सबसे पहली कंडीशन LTA को क्लेम करने की ये है दैट इफ यू वांट टू क्लेम LTA देन ट्रेवल इज मस्ट एंड ओनली डोमेस्टिक ट्रेवल इज रीइंबर्सेबल। सेकेंडली, आपके साथ LTA के लिए आपकी फैमिली एंड आपके डिपेंडेंट्स, व्हाट आई मीन टू से इज दैट योर स्पाउस कैन क्लेम फॉर इट। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, देन यू कैन क्लेम फॉर LTA रीइंबर्समेंट ओनली फॉर इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास के लिए आपको कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगी एंड दैट टू आप एयर इंडिया का फेयर रीइंबर्स करवा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो आप फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट का फेयर क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं, देन डीलक्स फेयर ऑफ एनी बस इट कैन बी क्लेम्ड। नाउ लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन LTA एग्जम्पशन। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया LTA के लिए ये है कि सिर्फ आप एक्चुअल ट्रेवलिंग कॉस्ट ही रीइंबर्स करवा सकते हैं। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन फूड, होटेल्स, दैट एक्सपेंडिचर इट शुड बी बियर बाय एट योर ओन, उसकी रीइंबर्समेंट आपको नहीं मिलेगी। Secondly, exemption is limited to the threshold limit given by the employer to the employee. For example, आपको LTA का exemption आपके employer के through 20K मिला है and आप Delhi से Pune travel करते हैं and जो आपका travelling expense आता है वो आपका 15K आता है, then इस case में आप 15K LTA की reimbursement claim कर सकते हैं and जो rest 5K है, 5000 rupees है, वो आपकी नेट सैलरी के साथ आपको ट्रांसफर हो जाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि सपोज आप दिल्ली से पुणे ट्रेवल कर रहे हैं एंड जो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू LTA का अलाउंस मिला हुआ है दैट इज मैक्सिमम 20,000, बट दिल्ली से पुणे ट्रेवल करते टाइम आपका जो एक्सपेंस आ गया है दैट इज 25,000। इस केस में आप सिर्फ 20,000 का मैक्सिमम LTA रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं एंड जो रेस्ट का 5,000 होगा उसका एक्सपेंडिचर आपको खुद से बियर करना पड़ेगा। इट्स माय फेयर सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू वांट टू क्लेम फॉर LTA दैट इज लीव ट्रेवल अलाउंस, देन ट्रेवल विद द एग्जैक्ट अमाउंट और द लेस अमाउंट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि आप ये LTA कितनी बार क्लेम कर सकते हैं। You can claim this LTA for two journeys in a time span of 4 years. Suppose अभी 2022 चल रहा है, then आप 2022 से लेकर 2025 के 4 years के block में दो LTA claim कर सकते हैं। Also कई बार ऐसा भी होता है कि suppose जो first 4 years का block है that is 2022 से लेकर 2025 का block है, उस block में सिर्फ आपने एक LTA claim किया है, राइट, तो आपका एक LTA जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, तो वो LTA आप नेक्स्ट अपकमिंग 4 years में क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 to 2025 के जो ब्लॉक ऑफ 4 years है उसमें आपने 1 LTA क्लेम किया है, जो नेक्स्ट 2025 to 2029 का ब्लॉक आएगा उसमें आपका जो पेंडिंग LTA है वो क्लेम कर सकते हैं। बट जो ये LTA का पेंडिंग क्लेम है, यू कैन क्लेम इट फॉर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 years ओनली। सपोज अगर आपका सेकेंड ब्लॉक में LTA पेंडिंग रह जाता है तो आप थर्ड ब्लॉक में इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वन मोर थिंग, आप ये LTA सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये बेनिफिट दे रहा है एंड जो LTA का अलाउंस है वो आपके कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है।
सपोज आपने ट्रेवल नहीं किया है इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स एंड स्टिल आप LTA को क्लेम करना चाहते हैं, दैट इज योर लीव ट्रेवल अलाउंस. इन दिस केस ऑल्सो आप अपना LTA क्लेम कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड जो भी LTA का अलाउंस होगा वो आपकी सैलरी के साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस. One and the foremost important thing is that to claim the LTA, you need to submit the genuine bills. Koi bhi fake bills can put you in any of the unwanted situation. So I hope you find this video informative, and if you liked my video, you know you have to do what? You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. Till then, bye bye, take care.